नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। निरसा गुरु सिंह सभा का पंचवर्षीय कार्यकारिणी कमेटी का गठन निरसा पंजाबी मिलन प्रांगण में आयोजित आम सभा में सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। आम सभा की अध्यक्षता हरविंदर सिंह खनुजा ने किया, जहां गुरु सिंह सभा के प्रधान के रूप में लगातार दूसरी बार निरसा की संगत ने निर्विरोध सरकार सुखदेव सिंह भंगू का चुनाव किया। वही सचिव पद पर सरदार मनजीत सिंह, जिंजर और कोषाध्यक्ष पद पर सरदार रघुवीर सिंह वासन पर संगत ने लगातार दूसरी बार अपना विश्वास जताया। निरसा पंजाबी मिलन परिसर के व्यवस्थापक के रूप में सरदार निर्मल सिंह खनुजा का चयन किया गया। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के प्रधान सरदार सुखदेव सिंह ने पूरी संगत के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों तक पूरी कर्मठता से निरसा गुरुद्वारा और पंजाबी मिलन परिसर के विकास सहित अपने समाज के लोगों के सुख दुख में साथ खड़ा रहा हूं, आगे भी साथ रहूंगा। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान निरसा गुरु सिंह सभा के सदस्यों के द्वारा जिस प्रकार तन मन और धन से जरूरतमंदों की सेवा की गई, उसकी चर्चा और प्रशंसा लगातार अन्य समाज द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि आगे भी जब समाज को आवश्यकता समझ में आएगी, सिख समाज अग्रणी पंक्ति में खड़ा होकर अपनी भूमिका निभाएगा। आज जो गुरुपुरा हम लोग का पार हुआ, गुरु नानक प्रकाश पर्व, उसका मेन हिसाब था। उसके बाद जो नया कमेटी 5 साल से लगातार चल रही थी, उसी को नया चुनाव कराने के लिए आज महत्वपूर्ण बैठक, सारी साथ संगत उन्हें पूरे निरसा क्षेत्र के जितने भी सिख संगत थी सभी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सारी संगतों ने एक स्वर में सुखदेव सिंह जो प्रधान पहले से उन्हीं की टीम को फिर से उन लोगों को चुना गया और वही टीम काम करेगी और पुराने कुछ मेंबरों को बढ़ाया गया है जो और भी काम का देखरेख करेंगे। 5 साल पहले हो गया, 5 साल फिर और ऐसे ही चलेगा और फिर जैसे विस्तार हो रहा था गुरुघर का, उनको आशा है कि सुखदेव सिंह प्रधान बने हैं, सेक्रेटरी मंजीत सिंह बने हैं, कैशियर रघुवीर सिंह बासन बने हैं और जो ये मैरिज हॉल या पार्किंग या बाहर का गुरुद्वारा का जो भी देखरेख है वो निर्मल सिंह खनुजा जी बने हैं, तो उनकी देखरेख में हमको लगता है कि इस बार और ज़्यादा हमारा गुरुद्वारा का डेवलपमेंट होगा, यही आशा करते हैं।